जय श्री गणेशाय नमः दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एस्ट्रोसेज यूट्यूब चैनल पर। मैं नेहा राजपूत हर बार की तरह, हर हफ्ते की तरह लेकर आई हूं आपके लिए साप्ताहिक राशिफल। इस वीडियो में हम बात करेंगे 18 अक्टूबर से 24 अक्टूबर के बीच के 7 दिनों के बारे में और जानेंगे कि क्या कुछ होगा आपके जीवन में खास, किस तरीके से ग्रहों का गोचर या ग्रहों का राशि परिवर्तन आपके जीवन पर असर डालेगा, कौन कौन से तीज त्यौहार आने वाले हैं इस सप्ताह में, साथ ही आपके पारिवारिक जीवन, वैवाहिक जीवन, प्रेम जीवन, आपका व्यवसाय हो, जॉब हो, स्टूडेंट्स के लिए कैसा है, गृहिणियों के लिए कैसा है, हर एक एंगल पर हम चर्चा करने वाले हैं इस वीडियो में। हर राशि के जातकों के बारे में हम विस्तार से जानेंगे और जो आपकी थोड़ी बहुत समस्याएं आएंगी उसको दूर करने के लिए बहुत ही आसान हम आपको उपाय भी बताएंगे। तो वीडियो बहुत खास है क्योंकि जब भी कोई सप्ताह शुरू होता है तो हम उसकी प्री प्लानिंग करते हैं, तो इसीलिए हम वीडियो को थोड़ा सा पहले डालते हैं ताकि आप हमारे चैनल के थ्रू ये जान पाएं, हमारी इन वीडियोस के थ्रू ये जान पाएं कि आने वाले सप्ताह में किस तरीके से उसको बेहतर बनाना है, किन मुद्दों पर ज़्यादा ध्यान देना है और कौन सी चीज़ें समूझ जाने वाली हैं। तो ये राशिफल का मकसद यही है कि आपका 7 दिन जो है, आने वाला 7 दिन ये बहुत ही स्मूथ जाए। तो चलिए पहले जानते हैं सबसे पहले कि तीज त्यौहार कौन कौन से सप्ताह में। 20 अक्टूबर बुधवार को है आश्विन पूर्णिमा व्रत और 24 अक्टूबर रविवार को है संकष्टी चतुर्थी व्रत और करवा चौथ भी। तो ये दोनों तीज त्यौहारों की, तीनों तीज त्यौहारों की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। इससे रिलेटेड जानकारी आपको दैनिक राशिफल के वीडियो के माध्यम से दे दी जाएंगी और अगर आप चाहते हैं कि अलग से इसको वीडियो के माध्यम से हम बताएं तो आप कॉमेंट कीजिए फटाफट। बाकी आप जानते हैं कि ग्रहों का गोचर कौन कौन से होने वाला है। तो सबसे पहले 18 अक्टूबर को यानी सप्ताह की शुरुआत में ही बृहस्पति का मार्गी जो है का मकर राशि में मार्गी होने वाला है। 18 अक्टूबर को ही बुध का भी कन्या राशि में मार्गी होगा, यानी दो बड़े ग्रहों का मार्गी होने वाला है सप्ताह की शुरुआत में। उसके बाद जाएं तो 22 अक्टूबर को जो है उस दिन मंगल तुला राशि में जाने वाले हैं, तो तीन बड़े ग्रह अपनी जो है पोजिशन से हिलेंगे और इसी की वजह से आपके जो है जीवन पर बहुत ही ज़्यादा असर देखने को मिलेगा। बाकी चंद्रमा हर दिन सवा दिन पर जो है सवा दो दिन पर अपनी चाल बदलते हैं, तो ये जो है सारे ग्रह जो अपने अपनी जगहों से हिलेंगे, अपना स्थान परिवर्तन करेंगे, क्या असर डालेंगे आपके जीवन पर, उसी का सम्मिलित हमने राशिफल तैयार किया है। इस वीडियो में हम आपको उसी की जानकारी देंगे। बाकी अलग से भी इस जो मार्गी या गोचर होने वाले हैं इसके से रिलेटेड वीडियो हमारे चैनल पर अपलोडेड है, आप वहां से देख सकते हैं। और अगर ये जो सारी वीडियोस हमारे चैनल पर आती हैं, अगर ये वीडियोस देखना चाहते हैं तो आपको पता है क्या करना है, आपको सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना है और फिर बेल आइकन का बटन प्रेस करना है। जब आप एक बार बेल आइकन का बटन प्रेस कर देंगे तो बार बार जो है आपको चैनल पर विजिट नहीं करना पड़ेगा, नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। बहुत सारे लोग जो हमारे व्यूअर्स जो हैं वो सिर्फ सब्सक्राइब करते हैं, बेल आइकन नहीं प्रेस करते, तो दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन बस प्रेस कर दीजिए, आपको अपडेट मिलते रहेंगे वीडियोस के। तो ये सारी जानकारियां दी गई हैं, हर शाम 5 बजे मैं आपके लिए लेकर आती हूँ दैनिक राशिफल का भी वीडियो, उसमें बताती हूँ दिन को कैसे अच्छा बनाना है। ये तो 7 दिन की बात है, उसमें हर दिन की बात होती है। तो बहुत सारे खास वीडियोस एस्ट्रोसेज सिर्फ आपके लिए लेकर आता है ताकि आपकी लाइफ बहुत अच्छी चले। और साथ ही अगर कुछ प्रॉब्लम आती है तो आप हमसे जुड़ सकते हैं, बात कर सकते हैं एस्ट्रोसेज वार्ता के जरिए। एस्ट्रोसेज वार्ता का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, क्योंकि ये ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां हमसे व्यक्ति विशेष के बारे में बात नहीं कर सकते, आपके निजता का सम्मान करते हैं, तो आप हमसे पर्सनली बात कर सकते हैं एस्ट्रोसेज वार्ता के थ्रू। बस आपको लिंक पर क्लिक करने की देरी है, चाहे किसी भी भाषा में क्यों ना बोलते हो, किसी भी पद्धति में क्यों ना जानकारी चाहिए हो, हर पद्धति हर भाषा के जानकार ज्योतिषी हमारे पैनल पर मौजूद है और किसी भी समय आप हमें कॉल कर सकते हैं। ये नहीं कि आप 9 to 6 की जॉब करते हैं, आप कहीं कॉलेज जाते हैं तो आप सोचते हैं कि शाम के टाइम कॉल नहीं कर सकता, रात के टाइम कभी भी कॉल कर सकते हैं आप हमें और हमसे अपनी लाइफ के बारे में, आने वाले जीवन को सफल बनाने के बारे में, आसान बनाने के बारे में बातचीत कर सकते हैं। तो एस्ट्रोसेज वार्ता का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आपको। चलिए आप जानते हैं चंद्र राशि पर आधारित आपका राशिफल क्या होगा, मून साइन बेस्ड है ये राशिफल। तो सबसे पहले जानते हैं मेष राशि वालों के लिए सप्ताह कैसा रहेगा। यदि कोई मामला कोर्ट कचहरी में लंबित पड़ा था तो उसके परिणाम के बारे में सोच समझकर आप खुद को बेचैन कर सकते हैं, जिसके कारण घर परिवार का वातावरण भी अशांत दिखाई देगा, क्योंकि आपके द्वितीय भाव में कृतिका नक्षत्र के राहु 7 डिग्री के साथ अपनी उच्च राशि वृषभ में गोचर कर रहे हैं। शुक्र और केतु की भी पूर्ण दृष्टि आपके पारिवारिक जो है भाव पर पड़ रही है। यदि आप इस सप्ताह अपने दोस्तों या परिवार के साथ कहीं घूमने जा रहे हैं तो आपको अपना धन सोच समझकर खर्च करने की सलाह दूंगी मैं, क्योंकि योग बन रहे हैं कि इस दौरान आप शुरुआत में ही काफ़ी पैसे खर्च कर दें जिससे आपको बाद में आर्थिक तंगी से गुजरना पड़े। इस सप्ताह आप पारिवारिक शांति बनाने और सदस्यों के साथ अपने संबंध बेहतर करने के लिए अतिरिक्त प्रयास करेंगे, लेकिन बावजूद इसके आपको सदस्यों का जरूरी समर्थन नहीं मिलेगा।
इसीलिए इस दौरान आपको किसी अनुभवी शख्स से इस समस्या को लेकर बात करनी चाहिए। काम के प्रति आपकी लगन और मेहनत को देखते हुए इस सप्ताह आपको तरक्की तो मिल सकती है, क्योंकि आपके करियर हाउस में श्रवण नक्षत्र के शनि, धनिष्ठा नक्षत्र के गुरु 12 डिग्री और 28 डिग्री के साथ मकर राशि में गोचर कर रहे हैं। लेकिन इसके लिए आपको अपने वरिष्ठ अधिकारियों की चापलूसी भी करनी पड़ेगी। इससे दूसरों के सामने आपकी छवि को नुकसान पहुंच सकता है। इस हफ्ते कई छात्रों को अपने कुछ विषयों को समझने में परेशानी महसूस होगी, लेकिन बावजूद इसके वो इनसे निजात पाते हुए इसमें भी सफलता अर्जित करने में कामयाब होंगे। ऐसे में इस दौरान उन्हें निरंतर प्रयास करने और अपने लक्ष्य के प्रति सजग रहने की आवश्यकता होगी। बात करें आपकी लव लाइफ और मैरिड लाइफ की, तो आपकी राशि वालों को इस सप्ताह प्रेम जीवन में मिले जुले लेकिन बेहतर परिणाम मिलने की संभावना नजर आ रही है, क्योंकि इस दौरान आपको अपने प्रेम जीवन को बेहतर बनाने के लिए अधिक प्रयास तो करने होंगे, साथ ही आपको अपने प्रेमी से जरूरत से ज्यादा अपेक्षा रखने से भी बचना होगा, क्योंकि आपके पंचम भाव के स्वामी चित्रा नक्षत्र के सूर्य जो 4 डिग्री पर स्थित है आपके सप्तम भाव में तुला राशि में गोचर कर रहे हैं। ऐसे में प्रेमी से केवल और केवल उन्हीं चीजों की अपेक्षा रखें जिन्हें आप खुद भी कर सकें। इस सप्ताह आपको खुशी से भरी शादीशुदा जिंदगी की अहमियत का एहसास होगा, क्योंकि संभव है कि दुनिया भर की भागदौड़ के बाद साथी के साथ और दाम्पत्य जीवन का सुकून आपको हर तनाव से मुक्ति दिलाने में सफल हो। इससे आपको इस बात का एहसास भी होगा कि अपने घर का सुख हर दुखों का अंत करने में कारगर है। आपके सप्तम भाव में चित्रा नक्षत्र के सूर्य 4 डिग्री के साथ गोचर कर रहे हैं और चंद्रमा की दृष्टि भी आपके सप्तम भाव पर पड़ती है। उपाय के तौर पर शिवजी के मंत्रों का जाप करें और शिवजी को सफेद फूल अर्पित करें। अब बारी वृषभ राशि के जातकों की। इस सप्ताह आपको विशेष रूप से घर परिवार के बुजुर्गों की सेहत का ख्याल रखने की जरूरत होगी, क्योंकि योग दर्शा रहे हैं कि उन्हें अपने किसी पुराने रोग के कारण समस्या हो जिसका नकारात्मक प्रभाव जीवन के विभिन्न क्षेत्रों पर भी पड़ेगा। दूसरों पर विश्वास करना तो ठीक है, लेकिन आंख मूंद कर किए जाने वाला विश्वास कई बार मनुष्य के लिए हानिकारक सिद्ध हो सकता है। ऐसा ही कुछ इस सप्ताह भी आपके साथ आर्थिक मामलों को लेकर होने के योग बन रहे हैं, इसीलिए आंख मूंद कर किसी भी बात या किसी व्यक्ति विशेष पर भरोसा करने से बचें। आपका ऊर्जावान, जिंदा दिल और गर्मजोशी से भरा व्यवहार आपके आसपास खासतौर से आपके परिवार के सदस्यों को खुशी देगा, क्योंकि आपके परिवार भाव यानी द्वितीय भाव के स्वामी बुध आपके पंचम भाव में चित्रा नक्षत्र के मंगल के साथ कन्या राशि में गोचर कर रहे हैं, जिसके कारण आपको अपने माता पिता से प्रेम और स्नेह की प्राप्ति भी होगी। इस सप्ताह व्यापारी जातकों को बिना गहराई से समझे बूझे और सही से पढ़े किसी भी व्यवसायिक या कानूनी दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने से बचना होगा, नहीं तो आप खुद को किसी बड़ी मुसीबत में फंसा सकते हैं। इसलिए जल्दबाजी में आकर दस्तावेजों के प्रति लापरवाही ना बरतें। इस सप्ताह छात्र अपना मन शिक्षा में भ्रमित पाएंगे, जिसका मुख्य कारण घर परिवार में किसी कार्यक्रम का आयोजन हो सकता है। ऐसे में जब भी समय मिले उसे बर्बाद करने की जगह एकांत में जाकर अपनी पढ़ाई लिखाई करें। अब बात करते हैं आपके लव लाइफ और मैरिड लाइफ की। तो यदि इस सप्ताह किसी मित्र को प्रपोज करने का सोच रहे हैं तो ऐसा करना आपके लिए हानिकारक रहेगा, क्योंकि इससे न केवल आप दोनों का रिश्ता खराब होगा बल्कि आप एक अच्छा दोस्त भी खो सकते हैं, क्योंकि आपके पंचम भाव में हस्त नक्षत्र के बुध और चित्रा नक्षत्र के मंगल 16 डिग्री और 29 डिग्री के साथ कन्या राशि में गोचर कर रहे हैं और राहु की दृष्टि भी आपके पंचम भाव पर पड़ रही है। इस सप्ताह आप अपने जीवन साथी को उनकी कमियां और नाकामियां याद दिला सकते हैं, जिससे आपको उनके क्रोध का सामना करना पड़ेगा। ऐसे में आपके लिए बेहतर होगा कि अभी किसी भी स्थिति में अपने जीवन साथी से किसी भी बारे में शिकायत ना करें, क्योंकि आपके सप्तम भाव में अनुराधा नक्षत्र के केतु और ज्येष्ठा नक्षत्र के शुक्र 7 डिग्री और 21 डिग्री के साथ वृश्चिक राशि में स्थित है। इसके अलावा राहु और शनि की भी पूर्ण दृष्टि आपके सप्तम भाव पर पड़ती है, क्योंकि संभव है कि उनका मिजाज पहले से ही खराब हो जिससे परिस्थितियां और बिगड़ सकती हैं। उपाय के तौर पर अपने इष्ट देवी की उपासना करें और मंदिर में उनके नाम से घी का दीपक जलाएं। अब बारी मिथुन राशि के जातकों की। जिस तरह किसी भी सब्जी में तड़का उसके स्वाद जो है खाने को लजीज बनाता है उस बेस्वाद खाने को, उसी तरह कभी कभी थोड़ा सा दुख भी हमारे जीवन में सकारात्मकता लाने में बेहद अहम भूमिका निभाता है, क्योंकि अगर हमारे जीवन में दुख नहीं होगा तो शायद हम सुख की असली कीमत और उसका आनंद नहीं ले सकेंगे। इसीलिए दुख आने पर इस सप्ताह खुद को शांत रखते हुए जितना संभव हो स्वयं को सेहतमंद रखने का प्रयास करें, क्योंकि आपके रोग भाव में अनुराधा नक्षत्र के केतु और ज्येष्ठा नक्षत्र के शुक्र 4 डिग्री और 21 डिग्री के साथ वृश्चिक राशि में स्थित हैं। इसके अलावा कृतिका नक्षत्र के राहु की भी पूर्ण दृष्टि आपके रोग भाव पर पड़ रही है। इस हफ्ते की शुरुआत में ही आपके जीवन में आ रही हर प्रकार की आर्थिक परेशानी दूर होगी और उसमें आए सुधार के चलते सप्ताह के मध्य में आपके लिए कई जरूरी चीजें खरीदना आसान होगा, जिससे आप अपनी सुख सुविधाओं में वृद्धि करते नजर आएंगे। पारिवारिक जीवन में इस राशि के लोगों को इस सप्ताह बेहद अच्छे फल मिलने की उम्मीद है, क्योंकि आपके द्वितीय भाव के स्वामी चंद्रमा
आपके आय भाव में मेष राशि में गोचर कर रहे हैं और आपके पारिवारिक भाव पर शनि और गुरु की दृष्टि पड़ रही है, इसीलिए संभावना है कि घर परिवार में किसी नए या नन्हे मेहमान का आगमन होगा जिससे पारिवारिक वातावरण में खुशहाली आएगी। इस दौरान घर के लोगों में भाईचारे और आपसी प्रेम भी साफ तौर पर दिखाई देगा। आप इस सप्ताह अपने ऊपर एक से अधिक कार्यों की जिम्मेदारी ले सकते हैं जिसके कारण आपके ऊपर काम का बोझ बढ़ सकता है, इससे आपके मानसिक तनाव में वृद्धि होगी। साथ ही आप भी एक भी कार्य को समय पर पूरा करने में खुद को असफल महसूस करेंगे। इस बात को आपको समझना होगा कि मन में नेगेटिव विचार जहर से भी ज्यादा खतरनाक होते हैं। ऐसे में छात्र इस सप्ताह योग और ध्यान का सहारा लेकर अपने मन में उत्पन्न हो रहे हर तरह की नेगेटिविटी का नाश कर सकते हैं। लव लाइफ की बात करें तो इस सप्ताह आपको अपने आप पर काबू रखना होगा और आपके संगी के बीच किसी तीसरे को आने देने से रोकना होगा। इसके लिए जरूरी है कि यदि आपके प्रेम संबंधों में कोई समस्या भी चल रही है तो उसके बारे में किसी तीसरे को ना बताएं, नहीं तो संभव है कि वो व्यक्ति उसका फायदा उठाते हुए आपकी परेशानी और बढ़ा दे, क्योंकि आपके पंचम भाव में चित्रा नक्षत्र के सूर्य 4 डिग्री के साथ स्थित है और चंद्रमा की दृष्टि भी आपके पंचम भाव पर पड़ती है। घरेलू मोर्चे पर इस सप्ताह आपका वैवाहिक जीवन सामान्य से बहुत बढ़िया रहने वाला है, क्योंकि आपके सप्तम भाव के स्वामी गुरु अष्टम भाव में श्रवण नक्षत्र के शनि के साथ मकर राशि में गोचर कर रहे हैं और मंगल की दृष्टि भी आपके सप्तम भाव पर पड़ रही है। इसके कारण आपको बहुत से स्वादिष्ट पकवान खाने और जीवन साथी के साथ अच्छा टाइम बिताने का अवसर मिलेगा। ऐसे में इस मौके को किसी भी कारणवश अपने हाथ से न जाने दें। उपाय के तौर पर नाभि माथे और गले पर हल्दी या केसर का तिलक करें। अब बारी कर्क राशि के जातकों की। खुशी से भरा यह सप्ताह आपकी सेहत में सुधार लेकर आएगा। ऐसे में इस दौरान किसी संत पुरुष का आशीर्वाद आपको मानसिक शांति प्रदान करेगा, इसलिए किसी सज्जन पुरुष की दैवीय बातें सुने क्योंकि इससे आपको संतोष मिलेगा। साथ ही ये बातें आपका ढनास भी बढ़ाएंगी। आपकी मनोकामनाएं इस सप्ताह दुआओं के जरिए पूरी होंगी और सौभाग्य आपकी तरफ आएगा, क्योंकि आपके भाग्य स्थान के स्वामी गुरु केंद्र में श्रवण नक्षत्र के शनि के साथ आपके सप्तम भाव में मकर राशि में गोचर कर रहे हैं, इसीलिए ये समय आपको भाग्य का साथ देगा जिससे आपके पिछले दिन की मेहनत भी रंग लाएगी और आप अपने हर ऋण को चुकाने में सफल रहेंगे। इस सप्ताह भूल से भी अपने परिवार के सदस्यों के साथ रूखा व्यवहार ना करें, खासतौर से अपने से बड़ों के साथ मर्यादित आचरण ही करें, नहीं तो ऐसा ना करना पारिवारिक शांति को भंग कर सकता है जिससे आपको ही सबसे अधिक मानसिक तनाव की अनुभूति होगी। इस सप्ताह आपके लिए अपने साझेदार से संवाद कायम करना बहुत कठिन सिद्ध होने वाला है। ऐसे में यदि व्यापार के में विस्तार करना चाहते हैं तो आपको अपने अहम को अलग करते हुए अपने पार्टनर के साथ हर मतभेद को दूर करने की जरूरत होगी, क्योंकि आपके करियर हाउस में के स्वामी मंगल आपके तीसरे भाव में हस्त नक्षत्र के बुध के साथ कन्या राशि में गोचर कर रहे हैं। आपके करियर हाउस में सूर्य की पूर्ण दृष्टि पड़ती है। इस सप्ताह भर आपकी राशि में कई शुभ ग्रहों की उपस्थिति व उनका प्रभाव आपको अपनी मेहनत अनुसार परीक्षा में अंक प्राप्त कराएगा। ऐसे में कठिन मेहनत करें और जरूरत पड़ने पर अपने शिक्षकों की भी मदद लें। बात करें लव लाइफ की तो इस पूरे ही सप्ताह आपको कार्य क्षेत्र पर अतिरिक्त काम के दबाव के चलते मानसिक उथल पुथल और परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, जिसके कारण आपका प्रेम जीवन भी सबसे अधिक प्रभावित रहने वाला है। इसीलिए सप्ताह के उत्तरार्ध में प्रेमी से जितना संभव हो कम बात करें, क्योंकि आपके पंचम भाव में ज्येष्ठा नक्षत्र के शुक्र और अनुराधा नक्षत्र के केतु 20 डिग्री और 7 डिग्री पर वृश्चिक राशि में स्थित हैं। इसके अलावा कृतिका नक्षत्र के राहु की भी दृष्टि आपके पंचम भाव पर है। इस सप्ताह आपकी शादीशुदा जीवन में किसी दूर के रिश्तेदार का हस्तक्षेप आपके और आपके साथी के बीच बड़ी समस्या उत्पन्न कर सकता है। हालांकि आपको इस संभावना से बचने के लिए अपने जीवन साथी में किसी तीसरे को लेकर आने से जो है जीवन में परहेज करना होगा, यानी अपनी लाइफ में थर्ड पर्सन का इंटरफेरेंस मत रखिएगा। उपाय के तौर पर सत्यनारायण का घर में पाठ करवाएं। अब बारी सिंह राशि के जातकों की। इस सप्ताह आपकी अत्यधिक मसालेदार और तले भुने जो है भोजन करने की आदत आपको स्वास्थ्य कष्ट दे सकती है, जिसके कारण आपको तुरंत डॉक्टर के पास भी जाना पड़ सकता है। ग्रहों की स्थिति के अनुसार आपकी राशि के जातकों के लिए आर्थिक दृष्टिकोण से ये सप्ताह एवरेज रहने वाला है, एवरेज से बेहतर रहने वाला है। इसके अलावा आपको समाज में अपनी स्थिति मजबूत करने और धन को बढ़ाने के लिए इस समय कई शानदार अवसर प्रदान होने के भी योग बन रहे हैं, क्योंकि आपके इनकम हाउस के स्वामी बुध चित्रा नक्षत्र के मंगल के साथ आपके द्वितीय भाव में स्थित हैं। संभावना है कि सप्ताह घर के किसी सदस्य की सलाह आपको अतिरिक्त धन कमाने में मदद करेगी जिससे आपका मन प्रसन्न होगा। साथ ही आप घर के सदस्यों पर खुलकर खर्च करते हो और उनके लिए उपहार लेते भी दिखाई देंगे। कार्यस्थल पर इस सप्ताह हर चीज आपके विरुद्ध जाएगी, जिसके चलते आपके वरिष्ठ अधिकारी और आपके बॉस भी आपसे नाराज हो सकते हैं। इससे आपका मनोबल कमजोर होगा और आप अपने करियर में आगे बढ़ने से भ्रमित भी हो सकते हैं। जो छात्र उच्च शिक्षा ग्रहण करने की सोच रहे हैं उनके लिए हफ्ते का मध्य भाग बेहद अच्छा रहेगा। इस दौरान आपको अधिक सफलता मिलेगी क्योंकि ग्रहों की स्थिति आपके लिए अच्छी रहेगी।
बात करें आपके लव लाइफ की, तो यदि आपने पूर्व में अपनी प्रेमी को किसी यात्रा पर ले जाने का वादा किया था तो आपको इस सप्ताह उसे पूरे करने में आप असफल रहेंगे। इससे आपका प्रेमी आपसे नाराज हो सकता है। साथ ही आशंका है कि आप दोनों में इस कारण कोई बड़ा विवाद हो, क्योंकि आपके पंचम भाव के स्वामी गुरु छठे भाव में श्रवण नक्षत्र के शनि के साथ मकर राशि में गोचर कर रहा है और मंगल की दृष्टि भी आपके पंचम भाव पर पड़ती है। इस सप्ताह आपको अपने वैवाहिक जीवन के सबसे अधिक नकारात्मक पलों का सामना करना पड़ सकता है, जिसके कारण आपके मन में घर ना जाने का विचार भी आना लाजमी है, क्योंकि आपके सप्तम भाव के स्वामी शनि अपने से द्वादश होकर आपके छठे भाव में मकर राशि में धनिष्ठा नक्षत्र के गुरु के साथ स्थित है। उपाय के तौर पर माँ कात्यायनी की पूजा करें और उनके मंत्रों का जाप करें। अब बारी कन्या राशि के जातकों की। सप्ताह की शुरुआत से अंत तक कई ग्रहों का स्थान परिवर्तन होगा और यह वह समय होगा जब आपका स्वास्थ्य सामान्य से ज्यादा मजबूत रहेगा और आप विभिन्न प्रकार की अपनी शारीरिक समस्याओं से निजात पा सकते हैं। धन से जुड़ा कोई भी जोखिम उठाने से आपकी राशि वालों को इस सप्ताह बचना चाहिए, क्योंकि यूं तो इस दौरान जो है आपको कई जगहों से अचानक धन की प्राप्ति होने के योग बन रहे हैं, क्योंकि आपके इनकम भाव के स्वामी अश्विनी नक्षत्र के चंद्रमा जो 7 डिग्री पर आपके अष्टम भाव में मेष राशि में गोचर कर रहे हैं। लेकिन आपको इस समय धन का इस्तेमाल करने से पहले अच्छी तरह खुद को हर स्थिति के लिए तैयार करने की आवश्यकता होगी। इस सप्ताह जितना संभव हो अपना कीमती वक्त अपने बच्चों के साथ गुजारें, यह सबसे बेहतर मरहम है, क्योंकि ये बात आप भी जानते हैं कि घर के बच्चे ही कभी ना खत्म होने वाली खुशियों का वो स्रोत हैं, जिनके साथ समय बिताते हुए आप भी अपनी हर समस्या को कुछ समय के लिए भूल सकते हैं। इस सप्ताह दफ्तर में आपको कोई ऐसा काम मिल सकता है जिसे आप हमेशा से करना चाहते थे, लेकिन जल्दबाजी और जोश में आकर अपने होश खोने से बचें और बिना किसी लापरवाही के उस कार्य को समय से पहले ही पूरा करने की कोशिश करें, तभी आप अपनी पदोन्नति सुनिश्चित कर सकेंगे, क्योंकि आपके करियर हाउस के स्वामी बुध लग्न में चित्रा नक्षत्र के मंगल के साथ कन्या राशि में स्थित है। यदि संक्षेप में कहें तो ये सप्ताह छात्रों के लिए मुख्य रूप से अपनी कमजोरियों पर विजय प्राप्त करके आगे बढ़ने का है। ऐसे में इस समय आपको अपने मजबूत और कमजोर दोनों पक्षों का निर्धारण करना चाहिए और समय के अनुसार ही अपनी मेहनत को सही रफ्तार देनी चाहिए, क्योंकि कुल मिलाकर मेहनती लोगों को यह समय सफलता देगा और कई बार छात्रों को अभी अच्छे समय का इंतजार करना पड़ेगा। बात करें लव लाइफ की, तो इस सप्ताह आपसे जो है सामान्य से कुछ अलग किस्म के रोमांस का अनुभव कर सकते हैं, जिसके बारे में आप अपने प्रेमी से खुलकर बात करते हुए अपनी इच्छा उनके समक्ष रखने में सफल होंगे, क्योंकि इस दौरान आप दोनों के प्रेम जीवन में आशा की एक नई और अनोखी किरण नजर आएगी, क्योंकि आपके पंचम भाव में श्रवण नक्षत्र के शनि और धनिष्ठा नक्षत्र के गुरु 12 डिग्री और 28 डिग्री के साथ मकर राशि में स्थित है और मंगल की दृष्टि भी आपके पंचम भाव पर पड़ती है, जिससे आपका बेजान पड़ा रिश्ता बेहतर हो सकता है। जीवन के कई अहम मुद्दों को लेकर इस सप्ताह जीवन साथी से आपकी अच्छी बातचीत हो सकती है, जिससे आपको महसूस होगा कि आप दोनों में कितना प्यार है। आपस का ये प्रेम आपके रिश्ते को नयापन देगा और यदि आप संतान की चाह में थे तो इस दौरान आपको अपने दाम्पत्य जीवन में वृद्धि करने में भी सफलता मिल सकेगी, क्योंकि आपके सप्तम भाव के स्वामी गुरु शनि के साथ मकर राशि में पंचम भाव में स्थित हैं। इसके अलावा आपके सप्तम भाव में मंगल और बुध की दृष्टि पड़ती है। उपाय के तौर पर गणेश जी का ध्यान करें और मंदिर में गणेश जी को लड्डू का भोग लगाएं। अब बारी तुला राशि के जातकों की। इस सप्ताह आपकी सेहत में तो सुधार आएगा, लेकिन जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में चल रही उठापटक आपको कुछ बेचैन कर सकती है। इसीलिए यदि आप मानसिक सुकून हासिल करना चाहते हैं तो आपको कुछ पल करीबी दोस्तों के साथ बिताने की जरूरत होगी। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि आप पैसों की अहमियत को समझने के बावजूद अपने धन को बेबाक तरीके से खर्च करते जो है आए हैं, लेकिन इस सप्ताह आपको अपने पूर्व के समय की उन गलतियों का खामियाजा भुगतना पड़ सकता है, क्योंकि इस समय बहुत सी ऐसी स्थितियां आएंगी जब कोई करीबी सदस्य पैसों की डिमांड करेगा लेकिन आपके पास उसे देने के लिए कुछ नहीं होगा, जिससे उनके और आपके रिश्तों में दूरियां आने के योग बनेंगे। इस सप्ताह आपका अपने परिवार के साथ व्यवहार बेहद खराब होगा, जिसके चलते सप्ताह के अंत में आपके द्वारा की गई चीजों को लेकर आपको पछतावा भी हो सकता है, क्योंकि आपके पारिवारिक भाव में ज्येष्ठा नक्षत्र के शुक्र और अनुराधा नक्षत्र के केतु 20 डिग्री और 7 डिग्री के साथ स्थित हैं। इसके अलावा कृतिका नक्षत्र के राहु की भी पूर्ण दृष्टि आपके पारिवारिक भाव पर पड़ती है, लेकिन इस पछतावे के बावजूद आप अपने परिवार से अपने संबंध बेहतर करने में असफल रहेंगे। इस सप्ताह के दौरान पेशे के संदर्भ में आपकी राशि के जातकों को शानदार परिणाम मिलने की संभावना है, क्योंकि आप अपने अनुशासन और कड़ी मेहनत के बल पर कार्यक्षेत्र की हर कूटनीतिक रणनीति को भेदते हुए पद में वृद्धि के साथ साथ वेतन वृद्धि प्राप्त करने में भी सफल रहेंगे, क्योंकि आपके इनकम हाउस के स्वामी सूर्य लग्न में तुला राशि में स्थित हैं। इस सप्ताह आपको शिक्षा के क्षेत्र में कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, ऐसे में इस समय में आपको
धैर्य के साथ चलने की सबसे ज्यादा जरूरत होगी, क्योंकि योग बन रहे हैं कि सप्ताह आपको किसी परीक्षा में उम्मीद से कम अंकों की प्राप्ति हो, जिसके बाद आपके स्वभाव में चिड़चिड़ापन दिखाई देगा और आप अपने सहयोगियों के साथ छोटी छोटी बात को लेकर भी लड़ाई झगड़ा कर सकते हैं। इसलिए हर स्थिति में खुद को शांत रखते हुए अच्छे समय की प्रतीक्षा करना ही इस समय आपके लिए बेहतर रहने वाला है। लव लाइफ की बात करें तो प्रेम में पड़े इस राशि के जातकों के जीवन में सप्ताह कोई खूबसूरत मोड़ आ सकता है। आपको महसूस हो सकता है कि आपका लवमेट आपके लिए कितना जरूरी है और यह महसूस करके आप उनको अपना जीवन साथी बनाने का पूरा प्लान बना सकते हैं। किसी पार्टी में अपने लवमेट के साथ मिलकर शरीक हो सकते हैं, क्योंकि आपके पंचम भाव के स्वामी शनि अपने से द्वादश होकर धनिष्ठा नक्षत्र के गुरु के साथ आपके चौथे भाव में स्थित है। वैवाहिक जातकों के लिए सप्ताह सामान्य से उत्तम रहेगा। हालांकि बीच बीच में थोड़ी बहुत कहासुनी जीवन साथी के साथ संभव है, लेकिन कई शुभ ग्रहों की दृष्टि आपकी इस कहासुनी में भी रस घोलने का कार्य करेगी, क्योंकि आपके सप्तम भाव में चंद्रमा स्थित है और सप्तम भाव के स्वामी मंगल बुध के साथ आपके बारहवें भाव में स्थित है। इसके अलावा सूर्य की दृष्टि भी आपके सप्तम भाव पर पड़ती है, जिसके कारण इससे इसका आपके रिश्ते पर कोई भी नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ेगा। उपाय के तौर पर राधा कृष्ण की मूर्ति के आगे बांसुरी भेंट करें। अब बारी वृश्चिक राशि के जातकों की। इस सप्ताह आपकी सेहत को लेकर अपने भाग्य पर ज्यादा निर्भर ना रहें और अपनी सेहत को सुधारने की कोशिश करें, क्योंकि इस बात को आप भी अच्छी तरीके से समझते हैं कि किस्मत खुद बहुत आलसी होती है। इसलिए बेहतर स्वास्थ्य की ओर भी अपने प्रयास करते रहें, क्योंकि आपके छठे भाव के स्वामी मंगल हस्त नक्षत्र के बुध के साथ आपके आय भाव में कन्या राशि में स्थित हैं। इसके अलावा सूर्य की पूर्ण दृष्टि आपके रोग भाव पर पड़ रही है। ये बात आप भी अच्छी तरीके से जानते हैं कि लोग आपसे क्या चाहते हैं, लेकिन बावजूद इसके आप हर किसी के ऊपर ना चाहते हुए बेकार का खर्चा करें। आपको इस हफ्ते जो है से अपनी इस आदत में सुधार करते हुए अपने खर्चों को बहुत ज्यादा बढ़ाने से बचना होगा। इस सप्ताह आशंका है कि पूर्व में परिवार के साथ किसी यात्रा पर जाने का कार्यक्रम घर के किसी सदस्य की खराब सेहत की वजह से कुछ समय के लिए टल सकता है। इस कारण आप और घर के बच्चे कुछ नाखुश दिखाई देंगे। इस सप्ताह आपके शत्रु और विरोधी लाख कोशिशों के बाद भी आपको हानि नहीं पहुंचा सकेंगे, जिससे आपका कार्यस्थल पर रुतबा और अधिक बढ़ेगा और आप अपनी मेहनत और कार्यक्षमता के बल पर हर विपरीत परिस्थिति को भी अपने पक्ष में करने में सफल होते हुए निरंतर सफलता की रफ्तार पकड़ते दिखाई देंगे, क्योंकि आपके करियर हाउस के स्वामी चित्रा नक्षत्र का सूर्य 3 डिग्री के साथ आपके 12वें भाव में तुला राशि में स्थित है। यह समय इंजीनियरिंग, लॉ और मेडिकल क्षेत्र में पढ़ाई करने वाले शिक्षार्थियों के लिए सामान्य से बेहतर रहेगा, क्योंकि आपको इस सप्ताह किसी करीबी के माध्यम से अपनी इच्छा अनुसार किसी विदेशी यूनिवर्सिटी में दाखिला मिलने का शुभ समाचार मिल सकेगा। हालांकि इस दौरान भी आपको इस बात को अपने जहन में हमेशा रखने की जरूरत होगी कि मेहनत असंभव को संभव बना सकती है। इसीलिए इसी बात को समझते हुए अपने प्रयास सही दिशा में आगे बढ़ाने की कोशिश करते रहें। लवर्स की बात कर लें तो यदि अभी तक आप सिंगल थे तो आपको इस सप्ताह प्रेम जीवन की नई शुरुआत करने का सुनहरा अवसर मिल सकता है। हालांकि आपको प्रेम मोहब्बत के मामले में अधिक उत्साहित न होते हुए कोई भी फैसला जल्दबाजी में लेने से बचना होगा, नहीं तो आपको आगे चलकर परेशानी हो सकती है, क्योंकि आपके पंचम भाव के स्वामी गुरु श्रवण नक्षत्र के शनि के साथ आपके तीसरे भाव में अपनी मकर राशि में गोचर कर रहे हैं और आपके पंचम भाव में मंगल और बुध की दृष्टि भी पड़ती है। इस सप्ताह जीवन की परेशानियां आपको आक्रामक बना सकती हैं, जिसके कारण आप जीवन साथी के समक्ष गुस्से में ये जता सकते हैं कि उनके साथ रहना आपके लिए बेहद मुश्किल है। हालांकि आपको ऐसा कुछ भी करने से बचना चाहिए, क्योंकि इससे आपका साथी आहत हो सकता है, क्योंकि आपके सप्तम भाव में कृतिका नक्षत्र का राहु 7 डिग्री के साथ वृषभ राशि में स्थित है और केतु और शुक्र की दृष्टि भी आपके सप्तम भाव पर पड़ती है। उपाय के तौर पर अपनी माँ का आशीर्वाद लेकर ही कोई नया कार्य शुरू करें। अब बारी धनु राशि के जातकों की। इस सप्ताह आपको सलाह दी जाती है कि अपने स्वास्थ्य को लेकर ज्यादा चिंता ना करें, नहीं तो ऐसा करने से आपकी बीमारी और बिगड़ सकती है। इसलिए खुद को दूसरे कामों में व्यस्त रखते हुए सही डॉक्टर से उपचार कराएं। ये देखा गया है कि आप अपने धन के संचय को लेकर अक्सर थोड़े लापरवाह होते हैं, जिसका नेगेटिव इम्पैक्ट आपके जीवन में आर्थिक तंगी को उत्पन्न कर सकता है, क्योंकि आपके द्वितीय भाव में श्रवण नक्षत्र के शनि और धनिष्ठा नक्षत्र के गुरु 12 डिग्री और 28 डिग्री के साथ मकर राशि में गोचर कर रहे हैं। इसके अलावा मंगल की भी दृष्टि आपके पारिवारिक और आर्थिक भाव पर पड़ती है। इसीलिए आपको इस हफ्ते अपने घर के लोगों से धन की बचत को लेकर बात करते हुए उनसे सलाह लेने की जरूरत होगी, क्योंकि इस दौरान आपके बड़े बुजुर्गों की सलाह और उनका अनुभव ही आपकी आर्थिक स्थिति को सुधारने में भविष्य के लिए मददगार सिद्ध होगा। यह सप्ताह यूं तो आपके पारिवारिक जीवन में शांति लेकर आएगा, लेकिन न चाहते हुए भी संभव है कि आपसे घर की कोई वस्तु टूट जाए या आप उसे खो दे, जिससे घर के सदस्य आपसे नाराज हो सकते हैं। इसलिए शुरुआत में भी सावधानी बरतते हुए कुछ भी ऐसा ना करें जिससे घर का नुकसान हो। आपको अपने करियर में अच्छे फल पाने के लिए अपने काम करने के तरीकों पर गौर करने की
जरूरत के अनुसार बदलाव करने की आवश्यकता होगी, नहीं तो बॉस की नजरों में आपकी नकारात्मक छवि बन सकती है। इसीलिए शुरुआत से ही इस बात का ध्यान रखिए, यदि आप पॉलिटिक्स या सोशल सर्विस की जो है पढ़ाई कर रहे हैं तो आपके लिए ये समय सबसे अधिक अच्छा रहेगा। वहीं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के छात्रों को भी इस दौरान भरपूर सफलता मिलने के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। लवर्स की बात करें तो ये सप्ताह प्रेम संबंधों के लिए खासा बेहतरीन रहेगा, लेकिन आपको इस बात का भी विशेष ध्यान रखना होगा कि अपने लव पार्टनर को निराश ना करें, क्योंकि ऐसा करने से अभी बेशक आपको फर्क ना पड़े लेकिन इस कारण आपको बाद में पछताना तक पड़ सकता है, क्योंकि आपके पंचम भाव में अश्विनी नक्षत्र का चंद्रमा 10 डिग्री के साथ मेष राशि में स्थित है और सूर्य की दृष्टि भी आपके पंचम भाव पर पड़ रही है। इस सप्ताह आप अपने वैवाहिक जीवन में कुछ बोरियत महसूस कर सकते हैं। ऐसे में आपको समझना होगा कि समय के साथ हर रिश्ता पुराना होता है, इसीलिए आपको अपने होते शादीशुदा जीवन को बेहतर करने के लिए उसमें साथ ही संग कुछ रोमांच ढूंढने की जरूरत होगी, क्योंकि आपके सप्तम भाव के स्वामी बुध केंद्र में अपनी कन्या राशि में चित्रा नक्षत्र के मंगल के साथ स्थित हैं। इसीलिए ऐसा करके आप अपने रिश्ते को पुनः नया बना सकते हैं। उपाय के तौर पर 108 बार महामृत्युंजय का जाप करें। अब बारी मकर राशि के जातकों की। इस राशि के जातकों को इस सप्ताह छोटी छोटी जो है स्वास्थ्य समस्याओं के अलावा कोई भी बड़ा रोग होने की आशंका न के बराबर ही रहेगी। हालांकि कोई भी मौसमी बीमारी होने पर घर पर स्वयं अपना इलाज न करते हुए आपको बिना डॉक्टर की सलाह के दवाई नहीं खाने की हिदायत दूंगी मैं। इस सप्ताह आपको कई स्रोतों से जो है धन लाभ होने की भी संभावना है, जिसका उचित अवसर जो है आप उठाते हुए उसे किसी निवेश में लगाने का फैसला ले सकते हैं। लेकिन योग बन रहे हैं कि इस दौरान आपका लंबे अरसे को मद्देनजर रखते हुए किसी भी निवेश को करना भविष्य में आपको सुफल देने का कार्य करेगा। घर में उल्लास का माहौल इस सप्ताह आपके तनाव को कम कर देगा, क्योंकि आपके द्वितीय भाव के स्वामी शनि अपने से द्वादश होकर धनिष्ठा नक्षत्र के गुरु के साथ आपके लग्न भाव में स्थित है। ऐसे में जरूरी होगा कि आप भी इसमें पूरी सहभागिता करें और महज मूक दर्शक ना बने रहें। साथ ही इस सप्ताह आपको इस बात को भी समझने में मदद मिलेगी कि अपने परिवार की भलाई के लिए आपको लगातार मेहनत करनी होगी। इसके लिए आपके हर काम के पीछे प्यार और दूरदृष्टि की भावना होनी चाहिए। यदि आप जॉब करते हैं तो आपको इस सप्ताह कार्यक्षेत्र पर सोच समझकर चलने की जरूरत है, नहीं तो संभव है कि आपके विरोधियों के षड्यंत्र के चलते आप किसी बड़ी मुसीबत में फंस जाएं, क्योंकि आपके करियर हाउस के स्वामी शुक्र अनुराधा नक्षत्र के केतु के साथ आपके आय भाव में वृश्चिक राशि में स्थित है। आपके करियर हाउस में सूर्य स्थित है, उसके अलावा शनि और चंद्रमा की दृष्टि भी आपके करियर हाउस पर पड़ रही है। छात्रों को इस सप्ताह ऐसी हर गतिविधियों में खुद को संलिप्त करने से परहेज करना होगा, जिससे उनकी छवि के साथ साथ उनके शैक्षिक जीवन पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है, क्योंकि ये गतिविधि आपको अपने लक्ष्यों से भटका सकती है। बात करें प्रेमी जातकों की, तो इस सप्ताह आपका प्रेमी समक्ष जो है आपके समक्ष विवाह को लेकर कोई गंभीर बात कर सकता है, जिससे आप कुछ असहज तो महसूस करेंगे ही, साथ ही उनकी बात सुनकर आपके मानसिक तनाव में भी बढ़ोतरी होगी, क्योंकि आपके पंचम भाव में कृतिका नक्षत्र का राहु अपनी उच्च राशि वृषभ में स्थित है। इसके अलावा शुक्र और केतु की दृष्टि भी आपके पंचम भाव पर पड़ती है। इस सप्ताह संभव है कि परिवार के किसी अन्य सदस्य के चलते आप बिना किसी बात के जीवन साथी से झगड़ा करें, जिससे आप अपने साथी का विश्वास और उनका समर्थन खो सकते हैं, क्योंकि आपके सप्तम भाव के स्वामी अश्विनी नक्षत्र के चंद्रमा जो 11 डिग्री के साथ चौथे भाव में मेष राशि में स्थित है। इसके अलावा शनि और गुरु की दृष्टि भी आपके सप्तम भाव पर पड़ रही है। उपाय के तौर पर घर में कपूर जलाएं। अब बारी कुंभ राशि के जातकों की। इस सप्ताह आपके स्वास्थ्य राशिफल को देखें तो आपका स्वास्थ्य बेहतरीन रहेगा, जिसके चलते आप जीवन के और क्षेत्रों में भी जबरदस्त प्रदर्शन कर पाएंगे। साथ ही इस दौरान आपके साहस और आत्मविश्वास में वृद्धि देखने को मिलेगी, जिसके परिणाम स्वरूप आप अपने जीवन से जुड़े हर उन निर्णयों को सरलता से ले सकेंगे, जिन्हें लेने में आपको पूर्व में खासा परेशानी हो रही थी। इस सप्ताह अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत कर धन प्राप्त करना चाहते हैं तो आपके लिए सफलता का मंत्र यह है कि उन लोगों की सलाह पर ही आपको अपने पैसे लगाने चाहिए जो मौलिक सोच रखते हो और आपसे ज्यादा अनुभवी भी हो, क्योंकि आपके द्वितीय भाव के स्वामी गुरु श्रवण नक्षत्र के शनि के साथ आपके 12वें भाव में स्थित है। इसके अलावा मंगल और बुध की दृष्टि आपके आर्थिक भाव पर पड़ती है, तभी आप अपने धन को सुरक्षित करते हुए मुनाफा अर्जित कर सकेंगे। इस सप्ताह आपका रवैया बेहद आक्रामक रहने वाला है, क्योंकि आशंका है कि घर पर यदि किसी बातचीत और चर्चा के दौरान आप किसी बात से संतुष्ट ना हो तो आप नाराजगी में दूसरों को कुछ कड़वी बातें कह सकते हैं, जिन्हें लेकर बाद में आपको पछताना भी पड़ेगा। इसीलिए कुछ भी रिएक्शन देने से पहले भली बात ही सोच विचार करें। कार्यस्थल पर किसी महिला सहकर्मी आपके भोलेपन का फायदा उठा सकती है, क्योंकि आशंका है कि आप किसी महिला के साथ अपने मन की बातें या अपने करियर को लेकर कुछ योजनाएं साझा करें और वो उन बातों को खुद तक ना रखते हुए किसी ऐसी व्यक्ति को वो बात बता दे जिससे आपको परेशानी हो सकती है, क्योंकि आपके करियर हाउस में ज्येष्ठा नक्षत्र के शुक्र और अनुराधा नक्षत्र के केतु 20 डिग्री और 7 डिग्री के साथ स्थित है। इसके अलावा राहु की दृष्टि भी आपके करियर हाउस पर पड़ती है। ये समय छात्रों के लिए काफी अच्छा जाएगा और इस दौरान आप काफी हद तक अपने आप को एक अच्छे क्लेवर में पाएंगे।
और शिक्षा के क्षेत्र में जबरदस्त प्रदर्शन करेंगे। इसके अलावा आपको दृढ़ इच्छा शक्ति और मनोबल की आवश्यकता होगी, जो आपको कठिन समय में भी अच्छा प्रदर्शन करने के लिए प्रेरित करेगी। लव लाइफ की बात करें तो ये सप्ताह आपके प्रेम और रोमांस में वृद्धि लेकर आएगा। इस दौरान यदि प्रेम संबंधों में कोई समस्या आ रही थी तो वो भी दूर हो सकेगी, लेकिन इसके साथ ही आपको हर स्थिति को बेहतर बनाए रखने के लिए अपने प्रिय से कोई भी तल्ख बात कहने से बचना होगा, क्योंकि आपके पंचम भाव के स्वामी बुध आपके अष्टम भाव में चित्रा नक्षत्र के मंगल के साथ अपनी कन्या राशि में स्थित है। यह सप्ताह आपसे अलग और कोई अन्य व्यक्ति आपके जीवन साथी में काफी दिलचस्प दिखा सकता है, जिससे आपके मन में ईर्ष्या की भावना पैदा होगी। हालांकि धीरे धीरे सप्ताह के मध्य में आपको एहसास होगा कि इसमें कुछ भी गलत नहीं है, जिसके बाद आपके मन में सभी नकारात्मक विचार जो है वो समाप्त हो जाएंगे और आपको मानसिक तनाव से भी मुक्ति मिल सकेगी, क्योंकि आपके सप्तम भाव के स्वामी चित्रा नक्षत्र का सूर्य 4 डिग्री के साथ आपके भाग्य स्थान में तुला राशि में स्थित है। उपाय के तौर पर भैरव जी की उपासना करें। अब बारी मीन राशि के जातकों की। हमारी सेहत ही जीवन की असली पूंजी है, इस बात को आप इस सप्ताह अपने जीवन में जो है अपनाते हुए इस पर अमल करेंगे, जिसके कारण आप घर के साथ साथ अपने कार्यस्थल पर भी बेहतर स्वास्थ्य की प्राप्ति के लिए हर मानसिक तनाव को दरकिनार करते हुए लोगों के साथ खुलकर हंसी मजाक करेंगे। अगर आप अपनी आय में वृद्धि के लिए विभिन्न और नए स्रोत खोज रहे हैं तो आपको केवल और केवल सुरक्षित आर्थिक परियोजनाओं में ही निवेश करना होगा, क्योंकि आपके इनकम हाउस में धनिष्ठा नक्षत्र के गुरु और श्रवण नक्षत्र के शनि मकर राशि में स्थित है। इसके लिए आप जरूरत पड़ने पर किसी सलाहकार या विशेषज्ञ की मदद भी ले सकते हैं। आपका ऊर्जावान जिंदा दिल और गर्मजोशी से भरा व्यवहार आपके आसपास खासतौर से आपके परिवार के सदस्यों को खुशी देगा, जिसके कारण आपको अपने माता पिता से प्रेम और स्नेह की प्राप्ति भी होगी। खाली समय में कार्यक्षेत्र पर आपका इस सप्ताह अपने मोबाइल पर कोई वेब सीरीज देखना आपके वरिष्ठ अधिकारियों को नापसंद आ सकता है, इससे उनके सामने आपकी छवि भी प्रभावित होगी। छात्रों को इस सप्ताह ऐसी हर गतिविधियों को खुद को संलिप्त करने से परहेज करना होगा, जिससे उनकी छवि के साथ साथ उनके शैक्षिक जीवन पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है, क्योंकि आपके करियर हाउस के स्वामी गुरु आपके आय भाव में शनि के साथ मकर राशि में स्थित है। इसके अलावा मंगल की दृष्टि भी आपके करियर हाउस पर पड़ती है, क्योंकि ये गतिविधि आपको अपने लक्ष्यों से भटका सकती है। बात करें लव लाइफ की तो प्रेम एक ऐसी रोशनी है जो आपको अंधेरे में भी उजाला दिखा सकती है। आपका लव मेट भी एक रोशनी की तरह इस दौरान आपकी जिंदगी में उजाला फैलाएगा। आप दोनों एक दूसरे के प्रति समर्पित होंगे। इस राशि के कुछ प्रेमी प्रेमिका प्रेम के बंधन को शादी के बंधन में तब्दील करने का विचार भी इस दौरान बना सकते हैं, क्योंकि आपके पंचम भाव के स्वामी चंद्रमा आपके पारिवारिक भाव मेष राशि में स्थित हैं। इसके अलावा गुरु और शनि की भी पूर्ण दृष्टि आपके पंचम भाव पर पड़ रही है। विवाहित जातकों के लिए यह सप्ताह सामान्य से उत्तम रहेगा, हालांकि बीच बीच में थोड़ी बहुत कहासुनी जीवन साथी के साथ संभव है, लेकिन कई शुभ ग्रहों की दृष्टि आपके इस कहासुनी में भी रस घोलने का कार्य करेगी, क्योंकि आपके सप्तम भाव में हस्त नक्षत्र के बुध और चित्रा नक्षत्र के मंगल 16 डिग्री और 29 डिग्री के साथ कन्या राशि में स्थित हैं, जिसके कारण इसका आपके रिश्ते पर कोई भी नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ेगा। उपाय के तौर पर अपने प्रेमी का नाम गुलाब की पंखुड़ियों पर लिखकर गुलाब के फूल को मंदिर में माता को अर्पित करें। लव लाइफ में स्मूथनेस आएगी और चीजें सॉल्व हो जाएंगी। तो जाना हमने इस वीडियो में कि 18 अक्टूबर से 24 अक्टूबर के बीच जो है ये 7 दिन सभी 12 राशि के जातकों के लिए किस तरीके का रहेगा, क्या उतार चढ़ाव आने वाले हैं, कौन सी चीजें ठीक हैं और किन उपायों को करके आप अपने सप्ताह को बहुत बेहतर बना सकते हैं, तो विस्तार से चर्चा की है हमने। फिर भी अगर कुछ आपके मन में सवाल रह गया है तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सुशेष वार्ता का लिंक मिलेगा, वहां क्लिक करके कभी भी हमसे बात कर सकते हैं और अपनी समस्या का समाधान पा सकते हैं। इस वीडियो में तो मैंने 7 दिन की बात की। हर शाम 5 बजे मैं लेकर आती हूं आपके लिए दैनिक राशिफल का वीडियो, जिसमें हर दिन को अच्छा बनाने के लिए आपको कुछ एडवाइस देती हूं, टिप्स एंड ट्रिक्स देती हूं। उसे सुनना चाहते हैं, देखना चाहते हैं तो आपको करना यह है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन प्रेस कर दें। नोटिफिकेशन आपको हर दिन मिलते रहेंगे, बार बार आपको चैनल पर विजिट नहीं करना पड़ेगा। बाकी जो भी 30 त्यौहार हैं उन सभी की ढेर सारी शुभकामनाएं, और साथ ही जो ये ग्रहों के गोचर होने वाले हैं, मार्गी होने वाला है, इन सब से जुड़ी जानकारियां चैनल पर ऑलरेडी अपलोडेड है, आप वहां से देख सकते हैं। तो अगर और किसी विशेष आपको सब्जेक्ट पे टॉपिक पे आपको जानकारी चाहिए तो लिखिए फटाफट कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव फीडबैक सवाल अपने लिखते रहिए, जेनरिक सवाल, ऐसी चीजें लिखिए जिससे मैं आने वाले समय में अपने वीडियो में शामिल करके उसका जवाब दे सकूं। तो बाकी इस वीडियो में इतना ही, प्रभु से यही कामना रहेगी कि आपके जीवन में कोई भी समस्या ना आए, हर समस्या आपकी आपसे दूर रहे, और अगर आती है तो हम आपके लिए हमेशा मौजूद है एस्ट्रो सेज वार्ता पर, वहां हमसे जुड़ सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, किसी का दिल मत दुखाइए और देखते रहिए एस्ट्रो सेज टीवी। नमस्कार। For regular updates, follow our Instagram page right now.